Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today's menu. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो गाइज, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कब्सा हाउस, जो कि कुवैत में मौजूद है. और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस किस्म के अरबिक खाने मिलते हैं और हमने यहाँ से क्या खाया. तो गाइज, हम आ गए हैं कब्सा हाउस इन कुवैत में. मैं आपको थोड़ा सा पहले अंदर से दिखाती हूँ कि हाउ डज इट लुक. तो यहाँ पे देखें, डिफरेंट आपको डोर्स नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर मुख्तलिफ कमरे हैं. ये जो हॉल आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो लाइक सिंगल मैन के लिए है. यहाँ पर अगर जैसे दोस्त वगैरह हैं, लड़के हैं, वो यहाँ पर आके बैठ सकते हैं. लाइक इन शॉर्ट, अगर आप विदाउट फैमिली है तो आप ये वाला हॉल यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए. देन यहाँ पर ये हॉल मौजूद है जो कि फैमिलीज के लिए है. यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी प्राइवेसी भी इंजॉय करते हैं. यहाँ पे देखें, एक का लाइट्स भी अच्छी सी लगी हुई हैं और काफ़ी आपकी प्राइवेसी यहाँ पर है. ठीक है, तो अब हम आपको मेन्यू दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है और आप यहाँ से क्या क्या खा सकते हैं. तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की अरबिक डिशेज जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और आपको देख के मुँह में यकीनन पानी आ रहा होगा, क्योंकि मेरा भी एक दफ़ा से फिर से पानी आ रहा है मुँह में इन सब चीज़ों को देख के. और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी मुनासिब लगती हैं और सर्विंग्स भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं. तो गाइस, हम लोगों ने जो है वो फाइनली एक ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है. जितनी देर में हमारा ऑर्डर आ रहा है, आप यहाँ पर देखें, एक बकरा जो है उसकी सब्जी तैयार हो रही है और देखने में तो ये बहुत ही यम्मी लग रहा है. तो फ्रेंड्स, हमारा ऑर्डर यहाँ पर आ गया है और ये भाई साहब जो हैं हमारी यहाँ पर डिशेस इधर ला के सर्व कर रहे हैं विद चटनीज एंड सॉसेज ऑल दैट स्टफ. और ये नीचे सुपरा जो है वो बिछा हुआ है, ये बिल्कुल अरेबिक स्टाइल में इसकी प्रेजेंटेशन है. बड़े से थाल के अंदर दो किस्म के चावल हैं. एक साइड पर जो आपको वाइट वाले चावल नज़र आ रहे हैं वो बिरयानी है, और दूसरी साइड पे जिस पे आपको बहुत बड़ा सा चिकन नज़र आ रहा है वो अरबिक राइस है मजबूस. हम बिरयानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि सारा चिकन और सारा प्याज और सब जो भी है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए. और आप देखें मजबूस का जो चिकन है वो किस कलर नरम है. और गाइस, ये बहुत ही टेस्टी होता है. अगर आप ये खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और इसके साथ की जो चटनी है वो भी. मिलते हैं आपसे अपने व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.